हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यम्मी फूड में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आम की खट्टी मीठी पूड़ियाँ कैसे बनती हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो बहुत ही कम समय में बन जाती हैं। इन्हें आप बच्चों के टिफिन में भी रख सकते हैं और कहीं ट्रैवलिंग पे जाएं तो भी ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आम की खट्टी मीठी पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा, 2 चम्मच सूजी और 1 कटोरी कटे हुए आम के टुकड़े और 2 चम्मच चीनी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा इलायची पाउडर और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कटे हुए आम और चीनी इन दोनों को ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर लिया 1 बॉल जिसमें मैं डालूंगी आटा, सूजी, नमक और इलायची पाउडर। अब हम इसमें ये आम का जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको डाल करके गूंथ लेंगे। इसमें हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटा लग गया है, अब हम इसकी पूरियां तलेंगे। देखिए मैंने पूरियां सारी बेल के रख ली हैं और कढ़ाई में हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम पूरियों को तलेंगे। ये देखिए हमारी पूड़ियाँ कैसे फूल रही हैं। इसी तरह से हम बाकी की पूड़ियाँ भी तल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आम की खट्टी मीठी पूड़ियाँ बन करके तैयार हैं और ये देखने में एकदम करारी लग रही हैं। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें और ऐसी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।